हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ भूमिका परमार फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। इन लास्ट वीडियो वी हैड सीन टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू सी ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल एक्चुअली में क्या है, उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स से उसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं, एंड उसके बाद जो है हम लोग आगे देखेंगे उसका, हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखेंगे। You might have seen a road crossing, two or more roads. आप लोगों ने दो रास्ते जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए देखे होंगे। अब इसका आप लोगों को प्रॉपरली आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। और अ रेलवे लाइन क्रॉसिंग सेवरल अदर लाइन्स। तो रेलवे लाइन जो है वो दूसरी रेलवे लाइन्स को क्रॉस करती हैं, जैसे ये जो है रेलवे लाइन, तो ये जो है वो दूसरी रेलवे लाइन्स जो है इसको क्रॉस कर रही हैं। तो ये जो है हम लोगों को, ये आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, इट इज़ गिव एन आइडिया ऑफ अ ट्रांसवर्सल। अब मैथ्स के लैंग्वेज में देखते हैं ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। A line that intersect two or more lines. A line that intersect two or more lines at distinct points. ये जो है वो यहाँ पे cross कर रही हैं, ये जो है वो इस point पे cross कर रही हैं। Line एक ही है, लेकिन दो दूसरी जो दोनों line हैं उन दोनों line को वो different points पे intersect कर रही हैं। टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। पी इज अ ट्रांसवर्सल टू द लाइन्स एल एंड एन। ये जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो है वो टोटल थ्री लाइन्स हैं, लाइन पी, लाइन एल एंड लाइन एम। अब ये जो लाइन्स हैं इसमें लाइन पी जो है वो लाइन एल एंड लाइन एम दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। एक को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन एल को, एंड लाइन एम को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। पी इज़ अ ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये जो है पी, एल एंड एम, ये जो तीनों लाइन्स हैं, तो तीनों लाइन्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसको हम लोग, ये जो लाइन है एल एंड ये जो लाइन है एम, ये लाइन पी को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये जो है लाइन पी तो वो एम को भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, या ये जो है इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो यहाँ पे ये जो है वो, ये ट्रांसवर्सल नहीं है। पी इज नॉट अ ट्रांसवर्सल बिकॉज एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जबकि ट्रांसवर्सल में टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे जो है इंटरसेक्ट करना करे तभी हम जो है ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब ये जो ट्रांसवर्सल है उससे एंगल्स बनते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। लाइन एल एंड लाइन एम कट बाय ट्रांसवर्सल पी। ये आप लोग देख सकते हैं, सेम ये वाली जो फिगर है वही, उसकी थोड़ी सी वेरिएशन है। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, उन दोनों लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे लाइन पी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइन एम को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड लाइन एम को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड लाइन एल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो है वो लाइन पी है, तो पी जो है वो ट्रांसवर्सल हो गए, ट्रांसवर्सल ऑफ एल एंड एम। अब ये जो है ट्रांसवर्सल, तो हम लोगों को टोटल एट एंगल्स मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दो लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मिलते हैं टोटल टोटल एट एंगल्स। अब उसके एंगल्स का जो टेबल है वो हम लोगों के पास यहाँ दिया गया है। इंटीरियर एंगल्स,
तो कौन से एंगल्स जो है वो इंटीरियर एंगल्स मिलते हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये जो है वो तीनों के चारों के चारों एंगल्स जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाले जो एंगल्स हैं, कौन से, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ये जो चारों एंगल हैं वो है एक्सटीरियर एंगल्स। अब अगेन हम लोगों के पास क्या है, पैर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं उसके पैर हम लोगों के पास कौन से मिल रहे हैं, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग यानी कि एक दूसरे के जैसे ही हम लोगों को दिखे। नेक्स्ट हैं एंगल 2 एंड एंगल 6, फिर एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये जो है पैर ये हम लोगों के पास मिल रही हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। नेक्स्ट है पैर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोगों को कौन से मिल रहे हैं, अल्टरनेट यानी कि सामने वाले। अब यहाँ पे 3 है तो इसका अल्टरनेट 6 है एंड 4 जो है उसका इंटीरियर 5 है। इंटीरियर है इसलिए अंदरूनी एंगल्स हम लोगों ने चूज किए, एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हम लोग बोल सकते हैं। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो 1 का एक्सटीरियर एंगल है एंगल 8 एंड 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है एंगल 7। नेक्स्ट जो है पैर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जो है पी, उसके सेम साइड्स पे जो एंगल्स हैं वो कौन से वाले हैं, तो एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6। तो ये जो है वो पैर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे नॉट हम लोगों के पास दी गई हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइक एंगल 1 एंड एंगल 5 इंक्लूड्स डिफरेंट वर्टाइसेस एंड आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। डिफरेंट वर्टाइसेस, ये जो है वर्टाइसेस दोनों की डिफरेंट है एंगल 1 एंड एंगल 5 के लिए एंड ट्रांसवर्सल की सेम साइड्स पे हैं। ये हम लोगों के पास अगेन जो है वो डेफिनेशन मिल रही है, किसकी डेफिनेशन है वो हम लोग देखते हैं। एंड थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, आर इन द करस्पॉन्डिंग पोजिशन अबव और बिलो, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो दोनों एंगल्स जो हैं वो लाइन के अबव हैं, या अबव हो या बिलो हो या लेफ्ट साइड हो या राइट साइड पे हो, मतलब कि पोजिशन जो है वो सेम होनी चाहिए सारे एंगल्स की। आर इन करस्पॉन्डिंग पोजिशंस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1, 5 जो है वो सेम पोजिशन पे है। फिर 3, 7 जो है वो भी करस्पॉन्डिंग पोजिशंस पे हैं, 2, 6 भी करस्पॉन्डिंग पोजिशंस पे हैं एंड 4, 8 भी करस्पॉन्डिंग पोजिशंस पे हैं। नेक्स्ट जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जो था वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए था। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए हम लोगों के पास हैं तो उनकी प्रॉपर्टी कौन सी हैं, हैव डिफरेंट वर्टाइसेस, आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड लाई बिटवीन द टू लाइंस। पहली प्रॉपर्टी है हैव डिफरेंट वर्टाइसेस। अगेन आप लोग ये एग्जांपल देखें एंगल 6 एंड एंगल 3 के लिए, तो दोनों के वर्टाइसेस जो है वो डिफरेंट है, ये वाली एंड इसकी ये वाली। आर अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, यहाँ पे सेम साइड्स पे था ट्रांसवर्सल के, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में डिफरेंट साइड्स पे हो गए, अपोजिट साइड्स पे हो गए एंड लाई बिटवीन द टू लाइंस, यानी कि दो लाइंस के बीच में होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ट्रांसवर्सल ऑफ अ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो हैं उसके ट्रांसवर्सल हम लोगों को कौन से मिलते हैं, तो आप लोगों को ये जो सारी इमेजेस हैं वो दे दी गई हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें ये जो हैं
ट्रांसवर्सल्स ऑफ पैरेलल लाइंस गिव राइज टू क्वाइट इंटरेस्टिंग रिजल्ट। यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं हम लोगों के पास। एक तो ये जो है वो लैडर है हम लोगों के पास, फिर ये जो कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है, फिर ये जो है वो जो हम लोगों के पास फर्श होता है तो उसकी जो स्टाइल्स होती हैं, उसका टाइल्स होती हैं, तो उसका जो है वो इमेज है। फिर ये जो है वो एनवेलप का इमेज है, तो उससे हम लोग कुछ नया मिलेगा जानने को, तो वो हम लोग देखते हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टू पैरेलल लाइंस, ये जो दोनों है वो पैरेलल लाइंस है, वो कट होती हैं ट्रांसवर्सल से। देन ईच पैर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं ये एंगल एंड ये एंगल, फिर ये एंगल एंड ये एंगल, तो उनके जो मेजर हैं वो हम लोगों को सेम मिलेंगे। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो आप लोग नोट डाउन करके रखिए। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पैर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो उसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी अभी देखी, ये जो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती हो उस टाइप के एंगल, तो वो जो सारे एंगल्स हैं उसके लिए हम लोगों के पास क्या है, ईच पैर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं उनकी जो पैर हैं उनके भी मेजरमेंट जो है वो सेम होंगे। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पैर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो जो दो पैरेलल लाइंस हम लोग लेंगे, दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल जो है वो कट करता है, तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स हम लोगों के पास मिल रहे हैं ऑन द सेम साइड, ये जो है वो सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स है, एंगल 8 एंड एंगल 1। तो ये जो है साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों का सम अगर हम लोग करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 8, तो इसका सम हम लोगों को मिलेगा 180। तो ये जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी, ये सारी के सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप लोगों को सम सॉल्व करने में यूजफुल होगी, इसलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हैं, दो लाइंस अगर हम लोगों को मिल रही हैं तो वो सारी दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है या नहीं है वो हम लोगों को चेक करना हो, तो वो हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं, तो उसके कुछ मेथड्स जो हैं हम लोगों के पास हैं। अब कारपेंटर जो हैं वो स्क्वायर एंड स्ट्रेट एज, यानी कि इस तरह का कुछ टूल उन लोगों के पास होता है, कारपेंटर जो है उनके पास, इससे वो लोग जो है वो पैरेलल लाइंस उसका ओरिएंटेशन या उसकी सिचुएशन जो है वो फाइंड करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि ये जो दोनों है वो पैरेलल लाइन है या नहीं। अगेन हम लोग किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पैरेलल लाइन है या नहीं, तो उसके लिए एक हिंट है, When a transversal cuts two lines, transversal जो है वो कट करता हो दो लाइन्स को, such that pairs of corresponding angles are equals, corresponding angles जो हैं वो इक्वल हो, तो दो लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे की पैरेलल हैं, ऐसा हम लोग बोलेंगे। अब ये जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग किसको बोलेंगे, तो अभी अभी हम लोगों ने जो देखा ट्रांसवर्सल की जो प्रॉपर्टी देखी उसमें हम लोगों ने देखा कौन सा वाला,
तो यहाँ पे आप लोगों के पास है पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स 1 एंड एंगल 5, यानी कि जो दोनों लाइंस हैं उसके सेम पोजीशन वाला जो एंगल है वो यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 5 है, तो उसके मेजरमेंट जो हैं वो सेम अगर आप लोगों को मिल रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे की पैरेलल लाइंस हैं। नेक्स्ट अगेन आप लोग के पास जो हैं ये जो है लेटर जेड आप लोग देख सकते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पैरेलल लाइंस जो हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, ट्रांसवर्सल जो हैं दो लाइंस में कट करता हो, दो लाइंस को कट करता हो किस मेथड में, सच दैट पैर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, पैर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। तो ये जो दोनों हैं टिप्स आप लोगों के लिए कि पैरेलल लाइंस जो है वो हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसके लिए। अब आज हम लोगों ने जो देखा उसमें एक और बात हम लोग ऐड कर लेते हैं, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस सच दैट पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ट्रांसवर्सल जो है दो लाइंस को कट करता हो किस मेथड में, इंटीरियर एंगल्स जो हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो हैं ट्रांसवर्सल हैं इन दोनों लाइंस का, तो इसके इंटीरियर एंगल जो हैं वो ये दोनों हैं। अब उस ये जो दोनों एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल हो, यानी कि इन दोनों का जो मेजर है वो सेम 180 डिग्री होता हो, सम करें अगर हम लोग इस दोनों एंगल्स का तो हम लोगों को 180 डिग्री मिलता हो, तो ये जो लाइन है वो पैरेलल है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब जो आज हम लोगों ने पैरेलल लाइंस के बारे में देखा उसके ही ऊपर डिपेंडेंट है आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 5.2, तो वो आप लोगों को अगेन होमवर्क में करनी है। सो यहाँ पे ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब कल से हम लोग जो है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर 6th वाला वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।